बरसात के मौसम में ये नाश्ता हर घर में बनता है। ये बहुत ही चटपटा, बहुत टेस्टी रहता है। हाँ, अंदर का फीलिंग्स अलग-अलग बनाते हैं लोग, तो मैंने भी ये बनाया है, कुछ अलग बनाया है। बहुत ही टेस्टी है और चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत स्वाद देता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए 4 मिर्ची ली है, जो तीखी नहीं है, मतलब थोड़ी तीखी है, ज़्यादा तीखी नहीं है, हरी मिर्ची। और इनको मैंने धो के साफ करके लेके आई हूँ। अभी इनके बीज हम निकाल देंगे, तो ये बीच में से कट करना है और चाकू से इसको, जो बीच की लाइन रहती है ना, इसके बी रहते हैं ना, उनको हमको निकालना है। बहुत इजीली निकल जाते हैं। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इससे बच्चे भी खा सकते हैं और मसाले में भी हम ज़्यादा कुछ ऐसा डालेंगे नहीं चटपटा। अगर आपको ऐसा लगे कि हमको तीखा खाना है तो आप लाल मिर्ची पाउडर या हरी मिर्ची के पीस करके आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इनके बीज निकाल दिए हैं चारों के। मैंने कम ही लिया है क्योंकि अभी इनके हम आगे जाके छोटे छोटे पीस करने वाले हैं, तो 4 मिर्ची काफ़ी है। अभी मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, ये टमाटर है, ये सब कुछ मैंने एकदम बारीक किया है। ये लहसुन है, 4-5 कली मैंने लहसुन की ली थी, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। और ये चाट मसाला थोड़ा सा डाला है मैंने, हरा धनिया डाल रही हूँ। और अगर चाट मसाला डाला है तो मिंट, मतलब पुदीना के पत्ते डाले हैं मैंने थोड़े से कट करके। और नमक थोड़ा सा डाला है कि हमने चाट मसाला डाला है इसलिए नमक थोड़ा कम डालना है। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, कि ये बिखरेंगे नहीं, इसके लिए मैं चीज़ डाल रही हूँ। आप चीज़ की जगह पनीर या फिर बहुत से लोग बेसन भी डालते हैं, तो आप बेसन भी सेक के डाल सकते हैं। अभी ये मिर्ची में एक 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 मैं इसको भर रही हूँ, ये देखिए। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये मसाला मैंने अलग बनाया है, लोग बेसन का मसाला भी बनाते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग स्टाइल में थोड़ा बनाने का ट्राई किया है। अभी थोड़ा सा मैं बेसन ले रही हूँ, ये 1 बड़ी चम्मच के लगभग बेसन होएगा। इसमें मैंने नमक डाल दिया है और एक चुटकी नहीं, आधी चुटकी ही मैंने बेकिंग सोडा डाला है इसमें। तो अभी इसको हम मिक्स कर देंगे और अभी पानी डाल के इसमें थोड़ा, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। तो ये देखिए मैं इसका घोल बना रही हूँ। इतना ही गाढ़ा चाहिए हमको, ये ज़्यादा पतला नहीं चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। तो ये बन चुके हैं, अभी हम गैस की तरफ चलते हैं। और गैस ऑन किया है मैंने, इस पे मैं कढ़ाई रखूँगी। 4 मिर्ची है तो हमें तेल की भी कम ही ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई करिए, तो मैंने तो शेलो फ्राई किया है। अभी मिर्ची को हम थोड़ा छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे, 3 पीस कर लेंगे, 1 बड़ी मिर्ची के, 1 मिर्ची के। तो मैं 3 पीस कर रही हूँ। काटना हमको थोड़ा सावधानी से है क्योंकि ये मसाला निकलने का डर रहता है, इसलिए केयरफुली इसका कट करें। अभी ये मैं बेसन में इसको डिप कर रही हूँ और फिर मैं तेल में इसको डालूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आप ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा इसे बनाना। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने ये मसाले में जो चाट मसाला और ये सब डाला है ना, इसके लिए ये ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चे भी खाएंगे। बरसात के मौसम में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भजिया या हम वड़े या ये सब बनाएं। तो ये देखिए मिर्ची के वड़े बन के तैयार है, लौंग मिर्ची वड़ा बोला है मैंने इसको। आप क्या नाम देना चाहेंगे वो दीजिए इसे। तो हम जब इसको बेसन में घोल में डुबोएंगे ना, उसके बाद इसका मसाला निकलता नहीं है। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी बता रही हूँ, गरम है थोड़ा तो हाथ में लग भी रहा है, लेकिन ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ इसे घर में एक बार ट्राई कीजिए बनाना बरसात के मौसम में। और अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।